आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को गिराने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को आगे करके बड़ा दाव चल दिया है। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज चल रहे 40 कांग्रेस विधायकों को नवजोत सिद्धू के नेतृत्व में सरकार बनाने की पेशकश की है। अमन अरोड़ा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के विकल्प के रूप में बनने वाली सरकार को आम आदमी पार्टी के 19 विधायकों का समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों, आज हम कड़ाके की सर्दी में पंजाब के राजनीतिक माहौल को गर्म कर देने वाली इस खबर की विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अमन अरोड़ा के इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। पंजाब के 4 कांग्रेस विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। रोचक बात यह है कि चारों विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह जिले पटियाला से संबंध रखते हैं। इन विधायकों के नाम हरदयाल सिंह कंबोज, मदन लाल जलालपुर, निर्मल सिंह शतुराना और काका राजेंद्र सिंह है। इन चारों विधायकों ने बीते दिनों पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह के घर बैठक कर कैप्टन सरकार से नाराजगी जताई थी। आइए अब जरा इन 4 विधायकों की नाराजगी का कारण भी जान लेते हैं। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस विधायकों के फोन की टेपिंग है। कांग्रेस के विधायक बेलगाम अफसर साइज से भी परेशान हैं। आरोप है कि अफसर चुने हुए प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते और मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने नशे की रोकथाम में सरकार की नाकामी और पुलिस में फैले भ्रष्टाचार पर भी रोष जताया है। इन कांग्रेस विधायकों का कहना है कि वर्षों से एक स्थान पर जमकर बैठे पुलिस कर्मचारियों के तबादले के बिना नशे पर रोक लगाना मुमकिन नहीं है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से समय मांगा था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन विधायकों को मिलने का समय नहीं दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन विधायकों को अपने राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू से मिलने की सलाह दी, लेकिन इन विधायकों ने कैप्टन संदीप संधू को क्लर्क बताते हुए मिलने से मना कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया। इन विधायकों का दावा है कि पंजाब कांग्रेस के कम 40 विधायक कैप्टन सरकार के तौर तरीके से नाराज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सह संयोजक अमन अरोड़ा ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को आम आदमी पार्टी के समर्थन से नवजोत सिद्धू की अगुवाई में सरकार बनाने के लिए पेशकश की है कि इस समय विधानसभा में कांग्रेस के 80 विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के 19 और अकाली दल के 14 विधायक हैं। पंजाब विधानसभा में भाजपा और लोक इंसाफ पार्टी के भी 2-2 विधायक हैं। मजेदार बात यह है कि अमन अरोड़ा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गृह जिले पटियाला की सुनाम सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह 2/3 बहुमत के साथ दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की दूसरी पारी फ्लॉप शो साबित हो रही है। पाकिस्तानी महिला पत्रकार अरूसा आलम से नजदीकियां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदनामी का सबब बन रही हैं। नवजोत सिद्धू की बगावत के बाद कांग्रेस विधायकों की नाराजगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनावी वादे पूरे न कर पाना, बादलों से मिलीभगत और बेअदबी के दोषियों को बचाने के आरोप भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लग रहे हैं। आर्थिक तंगहाली भी कैप्टन सरकार की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सह संयोजक अमन अरोड़ा द्वारा फेंका गया पासा कैप्टन सरकार की कफर में आखिरी कील साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।